हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक होगा। हम भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज है नया साल, तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। तो कल जो है प्रथम दिन था, परसों दिवाली थी। तो दीपावली वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से जाके देखिएगा, अपलोड कर दिया है मैंने। हम हर साल सभी सोसाइटी के लोग इसी दिन आश्रम पर जाते हैं और वहां पर भोग का कार्यक्रम रहता है, तो बस वहीं पर जाने वाले हैं आज भी। तो बहुत ही मजा आएगा, वीडियो में बने रहिएगा, जो जो भी प्रोग्राम रहेगा वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर अभी फिलहाल निकलते हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं, सभी तैयार हो गए शायद, वेदु ही बाकी है। तो चलिए नीचे जाकर देखते हैं वेदु क्या करे और फिर निकलेंगे यहाँ से। है गई तैयार? न्यू फ्रॉक से है वेदु? न्यू फ्रॉक पहन दे। अरे वाह, तैयार थी जाओ, क्या मेकअप कर दे, मेकअप कराओ जो। मानव यहाँ पर गाड़ी की पूजा कर रहा है और अभी हार बांध रहा है। बंधा रू, अरे राधा जी तैयार हो गई है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर लागे छो विदु, फोटो पाड़ो। क्या बात है, अरे वाह, चलो फोटो पाड़ीशू आपड़े, हैं राधा। नए साल की सुबह को सोसाइटी में मिलने आए हैं, तो सबको मिलकर निकलेंगे आश्रम पर। जय उमी अमा। तो चलिए गाड़ी में आ गए, अभी निकल रहे हैं आश्रम के लिए। तो चलिए आश्रम पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सब आश्रम के जो सेवक हैं, वेचात और सबने सजा दिया है बहुत ही अच्छे से, पूरे मंदिर को सजाया हुआ है। घर पे सबको मिलकर आए थे तो थोड़ी देर लग गई, तो यहाँ पर जैसे ही आए तो भोग की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है ठाकुर जी के लिए। भोग जैसे ही बन जाएगा तो अन्नकूट और सब साथ में ही लगेगा। चले दोस्तों आश्रम पर आ गए अभी हम, तो बस सोसाइटी वालों की राह देख रहे हैं। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो अन्नकूट का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बाकी सब तैयारी हो गई है। तो चलिए फिर भजन और आरती के लिए भी जो व्यवस्था चाहिए वो हो रही है अभी। ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ है, तो चलिए तब तक भजन सुनते हैं। ठाकुर जी को भोग और अन्नकूट लग गया है, तो बस थोड़ी देर में साथ में मिलकर आरती करेंगे हम सब। Thank you.
ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लग गया है। जो अन्नकूट ठाकुर जी को लगाया था उन सबको मिक्स कर कर अभी सभी में बांटेंगे प्रसादी को। अन्नकूट का कार्यक्रम है वो चल रहा था, ऐसे हमारे गुरुजी हिमालय मंजारा ताल भी अन्नकूट का जो प्रोग्राम है वो चल रहा था। तो बस अभी थोड़ी सी वहाँ की वीडियो क्लिप आई है तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे। ताली बजाओ। कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण किस भाई है जो हमारे संबंधी है, उन्होंने सनातन विधि के अनुसार गोपालदास जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया, उसकी एक थोड़ी सी क्लिप है। प्रसाद लेकर सभी लोग बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में सभी लोग निकलेंगे घर के लिए, तो उसके बाद हम भी निकलेंगे घर पर जाने के लिए।
आश्रम से घर पर हम आ गए। आश्रम पर जो भी कार्यक्रम था वो सब खत्म कर अभी हम घर पर आ गए हैं। आश्रम पर आप लोगों ने देखा कि मुकेश भाई भी आए हुए थे। सनातन धर्म के अनुसार गोपालदास जी महाराज ने मुकेश भाई को गुरु दक्षिणा दी, जो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। हमारे गुरु जी के पास से गुरु दक्षिणा ली थी, लेकिन आज फिर से देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो भी लेने का मेरा उद्देश्य ये था, सनातन धर्म में गुरु की क्या विशेषता है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए बस मेरा उद्देश्य इतना ही था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सीताराम बाय।